डेढ़ घंटे क्या करोगे शिबू, तुम बताओ तो। तुम लोग जो है फतेहगंज जॉब पे हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं आदित्य और आज हम लोग आ चुके हैं वडोदरा जो कि है अहमदाबाद से कुछ ही दूर। हम लोग आ गए हैं बड़ौदा बाइक रेंटल्स करके, यहां से हमने एक नडियो रेंट पे ली है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, आप देख सकते हैं बड़े अक्षरों में लिखा होगा BVR यानी कि बड़ौदा बाइक रेंटल। इनके पास गाड़ियों का अच्छा कलेक्शन है, बुलेट वगैरह मतलब सारी गाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं। चलिए अब हमारी गाड़ी भी आ रही है, हम भी चलते हैं। फर्स्ट कहाँ जाएंगे चलिए देख लिया। और फिलहाल तो हम लोग स्कूटी चला रहे हैं और ये देखिए ये रहा सामने का दृश्य, कुछ ऐसा है। सड़कें काफी साफ और आज सुबह ना बारिश हो गई तो हमें लग रहा था कि हम घूम पाएंगे या नहीं, तो चलिए अब चला जाए, ज्यादा बातें ना की जाए। तो हम लोग जो है फतेहगंज चौक पे, भूख बहुत लगी थी तो सोचा कुछ नाश्ता किया जाए, तो लोकल गुजराती नाश्ता जो होता है वो अभी हम कर रहे हैं। तो मेरे पास तो पोहा है, पोहा यहाँ बहुत चलता है और एक डिश है, तो इसमें तो पाव दिया गया है और साथ में कुछ सेव का ऐसा सब्जी है, तो पता नहीं हमें क्या है लेकिन चलिए खाते हैं और आपको बनाते हैं। फिलहाल हम वडोदरा सिटी के सेंटर में हैं और यहीं पर है मेरे पीछे शिव सागर लेक। यहाँ पर लेक है और लेक के बीचों बीच शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति है। फिलहाल हम धूप के बिल्कुल फ्रंट में है तो मैं भी आपको दिखे नहीं, लेकिन आप देखिए गौर से पीछे ये मेरे शिव सागर लेक है। फिलहाल इस टाइम तो बंद है, नहीं तो हम अंदर जाते। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जालियां लगी हुई हैं और ये सामने ये रहा मेन गेट और ये तो कोर्ट है पीछे में वडोदरा का, और ये रहा मेन गेट और इधर से उतरते हैं, सीढ़ियाँ हैं और आप अंदर जाएंगे तो ये देखिए। महाराज सैया जी बाग है, काफी ठीक ठाक है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे में जो है, अभी नहीं दिखेगा आपको ठीक है, मेरे पीछे में ही जो है यहाँ पर म्यूजियम है। म्यूजियम खुला है कि बंद है पता नहीं। अगर आप मेरे इस साइड देखेगा तो आप देख सकते हैं कि मतलब बच्चों वगैरह के लिए ठीक ठाक पार्क टाइप बने हुए हैं, मतलब झूले वगैरह लगे हुए हैं, है कि नहीं। आप गुड्डस हैं तो आपको 26 जनवरी मेले की याद आ जाएगी। और थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे जो है, पीछे कहाँ है यार, मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा सामने म्यूजियम की वो बिल्डिंग है सामने, और उसके बगल में महाराजा शिवाजी राव की एक स्टैचू है। आप आ सकते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, एक सवा घंटे लेकर आप आए। यहाँ पर जो गार्ड थे हमने उनसे बातचीत की तो पता चला कि हम आए हैं 5:30 में और अब म्यूजियम बंद हो गया है और प्लेनेटोरियम यहाँ कोविड के कारण बंद है, तो ऐसी कोई जगह जा नहीं सकते हैं, ऐसे ही पार्क में टहल सकते हैं। और रात में हमारी रिटर्निंग है 9:30 बजे तो हम वापस भी चले जाएंगे। देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा माहौल है, तो आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, बच्चों के साथ, जैसा भी है, किसी के भी साथ है कि नहीं ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे राइट साइड में एक वाइट हाउस करके यहाँ पर बिल्डिंग है, थोड़ा आगे चलते हैं वहाँ से क्लियर दिखेगा। ये देखिए कहाँ गया ये देखिए, ये रहा वाइट हाउस है कि नहीं। और इस वाइट हाउस में बहुत सारे आर्टिफैक्ट वगैरह रखे हुए हैं, ये अभी नहीं, ये ब्रिटिश टाइम का ही बना हुआ है कि नहीं। आपको थोड़ा पास जाके अच्छे से वीडियो दिखाते हैं। और मेरे लेफ्ट साइड में देखिएगा तो मेरे लेफ्ट साइड में म्यूजियम कहाँ गया, बैक कैमरा से ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए आपके सामने है म्यूज़ियम, और ये मैंने बताया था पहले ही आपको, छत्रपति शिवाजी राव महाराज की यहाँ पर एक स्टैचू है। और ये सामने देखिए म्यूज़ियम भी ना बिल्कुल एकदम महल के टाइप से लगता है कि दूर से कोई पैलेस टाइप का है, छोटा सा पैलेस है और काफ़ी हरा भरा यार भाई गार्डन है। और अब हमारे पास लगभग 1 से 1.5 घंटा है क्योंकि हमारी ट्रेन 9 बजे है, तो 1.5 घंटे क्या करोगे शिबू तुम बताओ। अपन स्टेशन जाएंगे अभी, ओके, उसके बाद फिर वहाँ थोड़ा टाइम पास करते हुए स्टेशन जाने में आज टाइम लग जाएगा। अच्छा, फिर 20-25 मिनट आधे घंटे फिर तो बैठा जाएगा, गाना वगैरह सुना जाएगा। और अभी हम
जो है शहर के सेंटर में है, बीच में है। आपको बता दें कि मेरे पीछे है इस वक्त वडोदरा का फेमस न्याय मंदिर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है काफ़ी अच्छा, आप देख रहे होंगे लाइटिंग वगैरह किया गया होगा। इस समय मैं तो नहीं दिख रहा हूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बैक कैमरा से देखें। ये देख रहे हैं मतलब कितना शानदार, सामने में एक दूसरी सरकारी बिल्डिंग और उसके बगल से यहाँ से शुरू होता है न्याय मंदिर। ये देखिए कैसे, कितना अच्छा आर्किटेक्ट है इसका, कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। मुझे तो देखकर लग रहा है कि मैं बॉम्बे में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सामने ही खड़ा हो गया हूँ, ऐसा थोड़ा बहुत फील आ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो एक दो तीन, लगभग 3 से 4 फ्लोर हैं और ये बिल्कुल रोड के साइड में है।